तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यकीन मानना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस एंड तक देखते रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रहा है कि कल मैं कुछ खरीदने के लिए बाजार गया था। देखो, इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने पड़ जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, लेकिन तरीके होते हैं बोलने के। इसे बोलने का एक आम तरीका भी है, यानी एक बेसिक तरीका भी है, लेकिन एडवांस्ड तरीके भी हैं इसे कहने के। तो आप सिचुएशन के हिसाब से बोल सकते हो। अगर किसी आप ऐसे से बोल रहे हो जिसे कोई खास इंग्लिश नहीं आती, तो आप कह सकते हो कि आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे टू बाय समथिंग। इसका मतलब है कि मैं कुछ खरीदने कल बाजार गया था। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है। आई वेंट यानी मैं गया था टू द मार्केट बाजार यस्टरडे कल टू बाय समथिंग कुछ खरीदने। तो कहने का मतलब है कल मैं बाजार कुछ खरीदने गया था। अब इसे थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश में हम बोलें तो हम बोलेंगे यस्टरडे आई पेड अ विजिट टू द मार्केट। अब यहां पर हमने कहा है कि यस्टरडे यानी कल आई पेड अ विजिट टू द मार्केट। तो यहां पर पेड अ विजिट का मतलब है कि हमने विजिट किया मार्केट को, यानी कल हम मार्केट गए टू मेक अ परचेज। टू मेक अ परचेज का मतलब है पैसे देके कुछ खरीदना, तो कुछ खरीदने के लिए है ना। यस्टरडे आई पेड अ विजिट टू द मार्केट टू मेक अ परचेज। कल मैं कुछ खरीदने के लिए बाजार गया, मतलब अलग है, लेकिन थोड़ा हमने चेंज कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप शॉपिंग वर्ड का यूज करना चाहते हो कि कल मैं बाजार गया था शॉपिंग करने, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू गेट सम शॉपिंग डन। यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू गेट सम शॉपिंग डन। तो ये तीन तरीके हैं, आप इसमें किसी का भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आगे देखते हैं, मैंने तुम्हें कल बाजार से गुजरते देखा था। यानी जब ये बाजार में था तो इसने किसी लड़की को देखा होगा वहां से गुजरते, तो उससे बता रहा है कि आई सो यू पासिंग बाय द मार्केट यस्टरडे। अब मैं हर वीडियो में बताता हूँ गुजरने के लिए हम पास बाय का यूज कर सकते हैं, और भी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको पास बाय का। तो कह रहा है कि आई सो यू पासिंग बाय द मार्केट यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बाजार से गुजरते देखा था। आई सो यू पासिंग बाय द मार्केट यस्टरडे। या आप इसे ऐसे बोल सकते हो, यस्टरडे आई सो यू वॉकिंग थ्रू द मार्केट। इसका भी मतलब सेम ही है, वॉकिंग थ्रू द मार्केट यानी बाजार से चलते हुए जाते हुए देखा था, यानी गुजरते हुए देखा था। यस्टरडे आई सो यू वॉकिंग थ्रू द मार्केट। तो इन दोनों को याद रखना, वॉक थ्रू, पास बाय, इनको आप चेंज कर सकते हो एक दूसरे से। अगर आपको ऐसे बोलना ऐसे बोल दो, वैसे बोलना वैसे बोल दो। आप कह सकते हो कि आई सो यू पासिंग बाय द मार्केट यस्टरडे, या आप कह सकते हो कि यस्टरडे आई सो यू वॉकिंग थ्रू द मार्केट। कहने का मतलब ये कि मैंने तुम्हें कल बाजार से गुजरते देखा था। ये इसे बोलने का एक और तरीका है जो थोड़ा ज्यादा एडवांस में हो जाएगा, बहुत कम यूज होता है इसका। हम कह सकते हैं कि आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ यू वॉकिंग थ्रू द मार्केट यस्टरडे। कोट अ ग्लिम्स का मतलब है कि मैंने तुम्हारी झलक देखी थी तुम्हें जाते हो, यानी मैंने अच्छे से नहीं देखा, बस एक झलक सी पड़ी थी, तुम जा रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया। तो ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, है ना। आई कोट यानी मैंने पकड़ा, यहाँ पकड़ने का मतलब है कि आंखों से तुम्हारी झलक को पकड़ा मैंने। आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ यू वॉकिंग थ्रू द मार्केट यस्टरडे, कहने का मतलब वही है कि कल मैंने तुम्हें बाजार से गुजरते देखा था। मैं एक दुकान पर खड़ा कुछ खरीद रहा था जब मैंने तुम्हें बाजार से गुजरते देखा। अब यहां पर इसे कैसे बोलें, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, तो हमें पता होना चाहिए कि हम बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले, मैं दुकान पर खड़ा कुछ खरीद रहा था, इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज बाइंग समथिंग एट अ स्टोर व्हेन आई सो यू पासिंग बाय इन द मार्केट। आई वॉज बाइंग समथिंग एट अ स्टोर, मैं दुकान से कुछ खरीद रहा था व्हेन आई सो यू पासिंग बाय इन द मार्केट, जब मैंने तुम्हें बाजार में गुजरते देखा। या आप कह सकते हो कि वाइल आई वॉज परचेजिंग समथिंग एट अ स्टोर। तो देखो, यहाँ पर तरीका क्या है, या तो हम बता रहे हैं कि आई वॉज बाइंग समथिंग एट अ स्टोर वैन, तो यहाँ पर हमने वैन का यूज कर लिया। वैन की जगह हम शुरू में वाइल का भी यूज कर सकते हैं कि वाइल आई वॉज परचेजिंग समथिंग, कि जिस वक्त मैं कुछ खरीद रहा था एट अ स्टोर दुकान से, आई कोट साइट, यहाँ पे साइट का मतलब है कि मैंने तुम्हें देखा, मतलब एक नजरिया है बताने का, या आप ग्लिम्स का भी यूज कर सकते हो। आई कोट साइट ऑफ यू वॉकिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, यानी मैं जब दुकान पे खरीदा था, मैंने तुम्हें वहां से जाते हुए देखा, कहने का मतलब वही है। अब आगे बता रहा है कि तुम्हारे साथ दो लड़कियां भी थी जिनमें से एक को मैंने पहले कहीं देखा था। अब इस तरह के सेंटेंस तो आपको बोलना ही पड़ जाता है कि जिनमें से मैंने एक को कहीं देखा था, तो इसे इंग्लिश में बोलें कैसे कैसे बोलें। सबसे पहले, देयर वर टू गर्ल्स विद यू, तुम्हारे साथ दो लड़कियां थी। देयर वर टू गर्ल्स विद यू, तुम्हारे साथ दो लड़कियां थी। एंड आई हैड सीन वन ऑफ देम समवेयर बिफोर। देखो,
अगर हमें कहना कि मैंने उसे कहीं देखा था, लेकिन हम बता रहे हैं कि मैं देख चुका था उसे पहले कहीं, तो यहाँ पर हमने आई हैड सीन, यानी उसे पहले भी, यानी जिस टाइम की हम बात बता रहे हैं कल की, उससे पहले की बता रहे हैं कि आई हैड सीन, मैं उसे पहले भी देख चुका था। आई हैड सीन वन ऑफ देम समवेयर बिफोर, यानी मैं उसे पहले भी एक बार कहीं देख चुका था। तो यहाँ पर हैड का इसलिए यूज किया, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई सो वन ऑफ देम समवेयर बिफोर, लेकिन हम पास्ट से भी पहले की बात बता रहे हैं, पीछे के पास्ट की। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि देयर वर टू गर्ल्स विद यू, तुम्हारे साथ दो लड़की थी, एंड आई हैड सीन वन ऑफ देम समवेयर बिफोर, अरे एक को तो मैं पहले कहीं देख चुका था। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अमंग का यूज कर सकते हो, अमंग का, इस तरह के सेंटेंस में, अमंग द टू गर्ल्स यू वर, अमंग द टू गर्ल्स हु वर विद यू, यानी उन दोनों में से दो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, उन दोनों में से दो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, अमंग द टू गर्ल्स हु वर विद यू, अमंग द टू गर्ल्स हु वर विद यू आई हैड सीन वन ऑफ देम बिफोर, उनमें से एक को मैं पहले देख चुका था, यानी पहले मैंने देखी थी। मैंने तुम्हें आवाज भी दी लेकिन तुमने सुना नहीं। अब ये कमाल का सेंटेंस है, जब हम किससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें आवाज दे दी यार तुमने सुना नहीं, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, सबसे पहले तुम कह सकते हैं कि आई इवन कॉल्ड आउट टू यू, आई इवन कोल्ड आउट टू यू का मतलब है कि मैंने तुम्हें आवाज दी थी, यानी तुम्हें रोकने के लिए आवाज दी थी। जैसे हम हिंदी में हम सीधा ये बोलते हैं, मैंने तुम्हें आवाज दी थी, इंग्लिश में हम कहेंगे आई इवन कोल्ड आउट टू यू बट यू डिडंट हेयर मी, लेकिन तुमने मुझे हेयर ही नहीं किया, सुना नहीं। लेकिन अगर हम किससे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा नाम लेके आवाज दी थी, तो हम कहेंगे आई कोल्ड आउट योर नेम, आई कोल्ड आउट योर नेम बट यू डिडंट हेयर मी, लेकिन तुमने मुझे सुना नहीं। आई कोल्ड आउट योर नेम बट यू डिडंट हेयर मी। बाजार से आने के बाद, अब ये बता रहा है कि अपॉन कमिंग फ्रॉम द मार्केट, या आफ्टर कमिंग फ्रॉम द मार्केट, अपॉन कमिंग फ्रॉम द मार्केट, बाजार से आने के बाद, अपॉन कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम वहां नहीं थी। आई वेंट टू योर हाउस बट यू वरंट देयर, आई वेंट टू योर हाउस बट यू वरंट देयर, मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम वहां नहीं थी। आई वेंट टू योर हाउस बट यू वरंट देयर। चलो कल कॉफी पर मिलते हैं, यहां पर कह रहा है कि लेट्स मीट अप फॉर कॉफी टुमोरो, लेट्स मीट अप फॉर कॉफी टुमोरो, यानी चलो कल कॉफी पर मिलते हैं, लेट्स मीट अप फॉर कॉफी टुमोरो। देखो इस सेंटेंस का आपको बहुत जगह यूज कर सकते हो, बहुत ऐसे होते हैं लोग हमारे जो दोस्त वोस्त होते हैं, जान पहचान वाले रिश्तेदार, हम कहते हैं कि चलो भाई कॉफी वॉफी में मिलते हैं, यानी कॉफी में पीते हैं चल के, लेट्स मीट अप फॉर कॉफी टुमोरो, उम्मीद करता हूँ कि कल तुम फ्री होंगी। तो यानी कि इसने कह तो दिया लेकिन इसे उम्मीद, इसे पता नहीं कि ये कल फ्री है क्या, इसे कुछ काम वाम तो नहीं है, तो इसलिए हाँ इस सेंस में हम बात करें कि उम्मीद करता हूँ कि कल तुम फ्री होंगी, इंग्लिश में बोलेंगे आई होप दैट यू विल बी फ्री टुमोरो, आई होप दैट यू विल बी फ्री टुमोरो, यानी उम्मीद करता हूँ कि तुम कल तुम फ्री होंगी। आई होप दैट यू विल बी फ्री टुमोरो, या आप कह सकते हो कि होपफुली यू आर फ्री टुमोरो, होपफुली यू आर फ्री टुमोरो, हाँ मतलब है कि होपफुली, यानी होप है मुझे कि तुम फ्री हो कल को, होपफुली यू आर फ्री टुमोरो, उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्री होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम होपिंग, यानी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम होपिंग दैट यू आर फ्री टुमोरो, कल तुम फ्री हो, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, आई एम होपिंग दैट यू आर फ्री टुमोरो। तो तीन तरीके मैं अब तक बता चुका हूँ, ये इसी तरीके से आपको सीखनी है इंग्लिश को, ये बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इस तरीके से सीखते रहे तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश में बोलना तो दूर की बात, आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर कोई सामने वाला तुम्हारा कोई ऐसा बंदा है जिसे एडवांस इंग्लिश नहीं आती तो उससे बेसिक इंग्लिश में कैसे बात करनी है, अगर कहीं आप ऐसी जगह हो जहां आपको एडवांस्ड इंग्लिश में बात करनी है तो और बात समझ भी जाओगे आप दूसरों की, मूवीज भी समझने लगोगे। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखते हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।